हेलो एवरीवन वेलकम टू हीरल्स होम्स टेल्स आज हम बनाएंगे पालक पनीर पुलाव जिसके पालक से हमें मिलेगा आयन पनीर से मिलेगा प्रोटीन और ग्रीन पीस से मिलेंगे वाइटमिन और मिनरल्स तो चलिए इस न्यूट्रिएंट्स रिच रेसिपी को बनाते हैं सबसे पहले एक पैन में हम ले लेंगे तकरीबन तो थ्री टी ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे जीरा जीरा खिल गया है तब इसमें हम डालेंगे एक तेज पत्ता कुछ क्लाउस और दो छोटी इलायची हल्का सा सौते करेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च का कोर्सली क्रश्ड पेस्ट अब इसको भी सौते करने के बाद हम डालेंगे एक छोटा प्याज कटा हुआ हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक सौते करना है तो मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते जाएंगे और सौते कर लेंगे अब धीरे धीरे अनियंस का कलर चेंज होने लगा है और जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर और टोमेटो को भी हमें सॉफ्ट और मशी होने तक कुक कर लेना है आप कटे हुए टमाटर की जगह पे टमाटर की प्योरी भी यूज़ कर सकते हैं अब इसमें मैंने डाली है चुटकी हल्दी लाल मिर्च पाउडर धनिया जीरा पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला और इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैंने फ्लेम मीडियम पे ही रखा है इस पुलाव को आप कंप्लीट मील भी बोल सकते हैं क्योंकि इससे हमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं अब जो कुक हो गए हैं टोमेटोज उन्हें हम हल्का सा इस तरह से मैश कर लेंगे अब हम डालेंगे नमक स्वादानुसार और एक बार हल्के से टमाटर को मैश कर लेंगे इस हेल्दी रेसिपी को बनाना बहुत ही इजी है बस हमें एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स कुक करते जाना है और मिलाते हुए जाना है और अब हम इसमें डालेंगे पालक की प्योरी ये डिश बहुत ही हेल्दी है बच्चों को ये खिलानी ही चाहिए और मैंने जो पालक की प्योरी का कप था उसी में थोड़ा पानी लेकर इसमें डाल दिया है आपको ये थोड़ा ग्लॉसी और शाइनी लगता होगा लेकिन हमने इसमें ऑयल कम ही यूज़ किया है ये लाइट्स की सेटिंग की वजह से लग रहा है तो अब इसे मैं कवर करके दो तीन मिनट तक कुक कर लेती हूँ तब तो दो से तीन मिनट के बाद हमारी पालक की प्योरी कुक हो गई है तो अब हम इसमें डालेंगे हरे मटर ये बॉइल्ड मटर है और साथ ही ले लेंगे पनीर सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इस कप के मशरमेंट में मैंने राइस लिया था और ये आधे घंटे तक भिगोए हुए चावल हैं तो ये राइस को मैं इसमें डाल दूंगी मैंने बासमती राइस यूज़ किए हैं आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं और इसी कप से मशर कर लेंगे हम तकरीबन डेढ़ कप पानी पालक की प्योरी है तो उसके पानी में भी ये राइस कुक होंगे इसलिए हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे डेढ़ कप पानी और पालक की प्योरी में ये राइस कुक हो जाएंगे और मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर दिया है ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए अब इसमें मैं डाल दूँगी स्वादानुसार नमक हमने पहले भी थोड़ा डाला था तो आप देख के डालिएगा हमने अब चावल के हिस्से का नमक डाला है तब तो जैसे इसमें बॉईल आ जाए हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर 15 टू 20 मिनट्स तक कुक कर लेंगे तो देखिए 15 मिनट्स के बाद राइस को चेक कर लेते हैं ये देखिए एक एक दाना एकदम अलग है और खिला खिला हुआ है बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं हैं और आप देख सकते हैं इसमें पानी भी नहीं है तो हमारा ये पुलाव रेडी हो के बिल्कुल बढ़िया लग रहा है इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे एकदम हल्के हाथों से ताकि चावल के दाने टूटे नहीं तो रेडी है हमारा पुलाव अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ करके इसको कवर करके टेन मिनट्स का रेस्ट दूंगी। तो इसे साइड पर ले लेते हैं और 10 मिनट ऐसे ही ढककर रखेंगे हम तब तो 10 मिनट के बाद इसे सर्व कर लेते हैं तो देखिए कितने खिले खिले चावल लग रहे हैं एकदम अच्छे से कुक हो गए हैं तो इन्हें मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ तो आप एंजॉय कीजिए पालक पनीर पुलाव फॉर मोर टेस्टी एंड इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल